मान्यता तो होनी चाहिए भाई कॉलेज की। कैडे सी देख रहे हैं, बस हमें देख रहे हैं। हमारे पापा पता नहीं कैसे कैसे कमाते हैं हमारे लिए। हमने 5-6 हजार रुपए की गाड़ी करी थी, कुछ नहीं होगा हमारा, सब बच्चे ऐसे ही हो गए। एक दो लोगों के लिए और ये प्रशासन के लिए सब कुछ जीवन बर्बाद हो गया। 3 साल से हमारे पेपर नहीं हो रहे, क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं है, सारे कॉलेज वाले भीगे हुए हैं, इतने सारे स्टाफ लगे हुए हैं। अगर एक बच्चे के ऊपर भी सूचित रखा जाता है, हम पूछ रहे हैं 10:30 बज गए पेपर कब आएगा, 11:30 बज गए पेपर कब आएगा, कोई भी नहीं बोल रहा है। और उधर पेपर करवाए जाते हैं राजस्थान जीके की, जो गाइड है उनका इस सेंटर पे क्या मतलब है? उनसे बुक्स दे रखी है कमरे में और बच्चे, एक लड़की का पेपर लड़ा हुआ लड़का सॉल्व कर रहा है। हम क्या करें, हम क्या करें? हमारा तो भविष्य फ्यूचर हो गया ना, तो सरकार हमें तो पेपर ही नहीं मिला जिससे पहले वो मार्कशीट भरती हुई पाई गई थी चौधरी की, ठीक है। और ये किताबें हर सब्जेक्ट की किताबें मिली है, SST के, साइंस की, ये भूगोल की पूरी किताबें। और वो लेब नंबर वाला शीशे वाला लेब, उसका पूरा पेपर चिटिंग हुआ, उसके अंदर पूरी किताबें मिली हमारे को। हमारे पास सब पेपर है और हम इसका विरोध चाहते हैं, ये पेपर आउट सकता है प्रशासन से, मोदी मंत्री से और यहाँ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से। हम चाहते हैं कि प्रशासन मिल के हमारी सुनवाई की जाए और हम निवेदन चाहते हैं कि पेपर ने सीरियस सामूहिक व्यक्तिगत नहीं। बैठ भाई, पहले बंद कर ले यार भाई, बाद वो कर लेंगे यार।